हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर के नए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने पदभार संभाला। मुख्यमंत्री के गृहनगर और राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में नए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को सुबह पदभार ग्रहण कर लिया। वे इससे पहले अलवर के जिला कलेक्टर थे। उन्होंने यहाँ डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित का अजमेर जिला कलेक्टर के पद पर स्थानांतर किया गया है। इस अवसर पर नए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर का विकास करना होगा। जोधपुर राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है। ये राज्य का सबसे बड़ा दूसरा शहर है। मेट्रो सिटी होने के साथ ग्रामीण परिवेश भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ कई प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। शहर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में दो नगर निगम व JDA ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कार्य सही तरीके से गति के साथ किया जाए तो विकास के कई कार्य किए जा सकते हैं। कई ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जिन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ राज्य स्तरीय व केंद्र स्तरीय कई संस्थाएं हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेट करके शहर के विकास कार्य को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि जहाँ तक कोरोना की बात है तो यहाँ की लोकल टीम कोरोना को लेकर प्रयासरत है। ये जरूर देखने को मिला है कि 3000 से ज्यादा का आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का पार हुआ है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार की तैयारियाँ व व्यवस्था है उसे रिकवरी भी हो रही है। कोरोना के साथ ही अब जीवन को जीना है, चाहे मनरेगा हो, बिजनेस हो, चाहे व्यवसायिक गतिविधियाँ हो। IAS अधिकारी इंद्रजीत सिंह के जोधपुर जिला कलेक्टर का पदभार संभालने के बाद कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं निवर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित को विदाई दी। राज पुरोहित अब अजमेर के जिला कलेक्टर का पदभार संभालेंगे। इस अवसर पर कई संस्था संगठनों और अधिकारियों ने उनका अभिनंदन भी किया। देखिए, जोधपुर राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन जोधपुर शहर है, और उसके साथ साथ हमारा जो ग्रामीण प्रवेश है वो भी काफ़ी फैला हुआ है और कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने। जहां तक कोरोना की बात है, मेरा मानना है कि यहां की लोकल टीम लगातार कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही थी उसमें प्रयासरत है। ये ज़रूर है कि आज हमने जैसे देखा है कि 3000 से आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव्स का जो है वो पार हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है, जिस प्रकार से यहाँ की तैयारियाँ हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे मेडिकल व्यवस्थाएँ हैं, उनको और सरल करके कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। और जिस भी प्रकार की चुनौती जिला प्रशासन के सामने आएगी उसको लड़ने के लिए यहाँ की टीम जोधपुर को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। कोरोना के साथ साथ, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अब जो जीवन है वो कोरोना के साथ ही हमें जीना है, ये बात सभी के संज्ञान में है। चाहे वो नरेगा के काम हो ग्रामीण परिवेक्ष में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो, लेकिन शहर की जहाँ तक बात है, दोनों नगर निगम और जोड़ा ये ऐसी संस्थाएँ हैं जिनका कि कार्य अगर सही तरीके से और गति के साथ दिया जाए तो ज़रूर विकास के कई कार्य किए जा सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे कई प्रकार की संस्थाएं जो कि सेंट्रल लेवल की हैं, स्टेट लेवल की हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। उन सब के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के, टीम वर्क करके जोधपुर ज़िले के लिए, यहाँ के वासियों के लिए क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है उसका प्रयास किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।